नमस्कार, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ। किसके सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, किसके सरकार में सबसे ज्यादा क्राइम रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ को पीएम क्यों बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव, इस स्टेटमेंट का क्या लॉजिक है, और साथ ही सीएम योगी अब अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसका फैसला वो ले चुके हैं लेकिन इससे फायदा क्या होने जा रहा है, इसकी सवाल का जवाब देखेंगे। लड़की हूं और लड़ सकती हूं, पर खुद प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ती हैं? इस वीडियो को लास्ट तक सब्सक्राइब करते हुए जरूर देखना। ये वीडियो बनाने का मकसद इंप्रेस करना नहीं बल्कि इंपैक्ट डालना है सोसाइटी पे। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। सिंपल सी बात है, सूबे का एक बहुत बड़ा चेहरा एक जगह से चुनाव लड़ेगा तो उसके आसपास सीटों पर भी प्रभाव देखने को मिलता है, यह बात आपको पता होना चाहिए। अयोध्या से चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये समझिए। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से चुनाव लड़ने पर अवध क्षेत्र की जो तमाम विधानसभा सीटें हैं ना, उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट या प्रभाव पड़ने जा रहा है और यही बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होने जा रहा है। अगर आप पूरा ये अवध का क्षेत्र देखेंगे, इसमें गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या, संत कबीर नगर और कुशीनगर शामिल है। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका प्रभाव इन सभी जिलों में देखने को मिलने जा रहा है। बीजेपी के लिए अयोध्या विधानसभा सीट काफी ज्यादा खास है। अगर इतिहास की तरफ मैं ले चलूं तो 1991 की तरफ चली दोस्त, साल 1991 से पहले इस सीट पर कभी जनता दल तो कभी कांग्रेस का कब्जा हमेशा से रहा था, लेकिन राम मंदिर की लहर ने इस सीट को बीजेपी के नाम कर दिया है और यह बीजेपी का गढ़ बन गया है। हालांकि साल 2012 की तरफ देखेंगे तो बीजेपी को अयोध्या की हार का सामना करना पड़ा था और समाजवादी पार्टी ने इसे अपने नाम कर लिया था। साल 2017 के चुनाव में वेद प्रकाश गुप्ता ने अयोध्या से जीत को दर्ज किया था और फिर से बीजेपी का परचम लहरा दिया था। अब बात हम अखिलेश यादव के उस बयान की कर लेते हैं जिसमें कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ दोबारा से यूपी के सीएम बन जाते हैं तो वह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये जब उन्होंने स्टेटमेंट आज तक पे दिया था तो इसके मायने आप क्या निकाल सकते हैं? योगी आदित्यनाथ को पीएम आखिर क्यों बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव? इसके पीछे अगर हम ये कहें तो अखिलेश यादव की नजर सीएम योगी आदित्यनाथ के पीएम बनने से यूपी में बनने वाले राजनीतिक स्पेस की ओर इशारा करता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सूबे में बने इस राजनीतिक स्पेस को भरना भाजपा के लिए भी आसान नहीं होगा और अखिलेश यादव सूबे में उपजने वाले इस राजनीतिक स्पेस में खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर इसका इस तरह से तर्क निकाला जाए कोई समस्या है नहीं, लेकिन हम फैक्ट की बात कर लेते हैं, तो संभावनाओं की बात होगी, फैक्ट की बात कर लेते हैं। रोजगार में अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ किसने बाजी मारी है और वहीं हम क्राइम में देखेंगे किसने कहां क्या बाजी मारी है। देखो, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं आप सभी के सामने, सीएमआई की एक रिपोर्ट सामने आई थी तो सीएमआई के मुताबिक यूपी में नौकरी के योग्य लोगों की संख्या दिसंबर 2017 में अगर आप देखेंगे तो 14,95,00,000 थी, जो पिछले 5 सालों में 2.12 करोड़ बढ़कर के 17,07,00,000 हो चुकी है। नौकरी की योग्यता रखने वाले लोगों में करीब 14% का इजाफा हुआ है। दिसंबर 2016 में यूपी में नौकरी की योग्यता रखने वाले 14,95,00,000 लोगों में से 5,75,00,000 लोगों के पास नौकरी थी, यानी कि लोगों के पास एक पक्की नौकरी थी, जो पूरे 5 साल बाद दिसंबर 2021 में बढ़ने के बजाय घट जाती है। सीएमआईई के आंकड़े साफ तौर पे बताते हैं कि यूपी में दिसंबर 2021 में नौकरी करने वाले करीब 5,59,76,000 ही रह जाते हैं। अलबत्ता आबादी और नौकरी की योग्यता रखने वालों की संख्या जरूर बढ़ी है, तो ऐसे में सूबे के नौकरी पेशा लोगों की हिस्सेदारी में गिरावट हुई है, जो 38.5 से गिरकर के 32.79% रह गई है। सिंपल सी बात यह है कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है, नई नौकरी मिलना तो दूर की जो अभी इनके पास जो नौकरी वो छिनती जा रही है। एक तरफ रोजगार देने में योगी जी कह रहे हैं कि हम नंबर एक हैं, लेकिन जब सरकारी आंकड़ों में ही यूपी में करीब 5,00,000 पद अभी भी खाली पड़े हैं, भर्तियों की मांग के लिए युवा लाठे खाते रहते हैं और आचार संहिता लग गई है, तो अब नए वादों का इंतजार हम लोग करेंगे, तब ये नौकरी आके देंगे। कुल मिलाकर झूठी वादे हैं, कोई नौकरी बढ़ी नहीं घटी है। और वहीं एनसीआरबी की डाटा की हम बात कर लेते हैं क्राइम को लेकर के। अखिलेश यादव के जब मुख्यमंत्री जब थे तो उनके काल में यूपी में 815 सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं दर्ज होती हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर आप एनसीआरबी का ही डाटा देखेंगे तो आंकड़ा 500 से कम काफी ज्यादा है, तो 195 के आसपास ये आंकड़ा हो जाता है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के साल यानी 2017 में ही यह सभी दंगे हुए थे।
लेकिन 2018-19-20 में सांप्रदायिक दंगों की एक भी घटना दर्ज नहीं हुई है। इसमें कोरोना भी है, उसको भी आप लगा सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए, एनसीआरबी के डाटे आंकड़े बताते हैं कि सांप्रदायिक दंगों के मामले में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। और इसमें कोरोना की कितनी सहभागिता है, सहयोगिता है, इसको भी आप अपने दिमाग से सोच लीजिएगा। अब दोस्त, पहले आप ये देखिए कि सुशांत सिन्हा अपने शो में पूछते हैं कि प्रियंका गांधी आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। उसे कहा तो जाता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या फिर कांग्रेस की तरफ से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं लड़ेंगी, यानी कि विधानसभा चुनाव के लिए छोटा मोटा करें। भैया, चुनाव तो नरेंद्र मोदी जी ने भी लड़ा था विधायक का, तभी तो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन इस तरह का जब ये बयान आता है ना, ये सब कांग्रेस के खिलाफ ही जाता है। असली वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस ट्वीट के ऊपर एक रीट्वीट है और ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति बैठा हुआ ये टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से प्लांट किया गया है और ये कांग्रेस से इसका कोई मतलब नहीं है। खैर, जो भी कुछ हो, लेकिन हम बात तथ्यों की करेंगे कि आखिर प्रियंका गांधी लड़ सकती हूँ लेकिन मैं नहीं लड़ सकती, इसके पीछे का मतलब क्या है, ये समझिए। प्रियंका गांधी की पार्टी कांग्रेस कहती है कि हम 40% सीटें महिलाओं को कांग्रेस दे रही है, लेकिन खुद एक सीट पर भी प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ रही हैं। जब ऐसे सवाल उनसे पूछे जाते हैं पत्रकारों के द्वारा, तो काफी डिप्लोमेटिक होकर के जवाब देती हैं। साफ साफ मना भी नहीं करती हैं और साफ साफ हाँ भी नहीं कह देती हैं। अब इसके आप कितने मायने निकाल सकते हो? अगर आज का आप माहौल देखेंगे तो भाजपा वर्सेस सपा का बना हुआ है। सत्ता इन्हीं दोनों में से किसी एक पार्टी की बनने जा रही है। मायावती नदारद है, उदासीनता बताती है कि उनका ये आखिरी चुनाव भी हो सकता है। कांग्रेस को प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में दोबारा से खड़ा किया हो, लेकिन कांग्रेस अपने दम पर सत्ता बना सके ऐसी स्थिति परिस्थिति उसके अभी तक नहीं बनी है और नहीं देखने को मिल रही है। क्या यही डर प्रियंका गांधी को सता रहा है कि अगर चुनाव लड़े और पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और एक खराब प्रदर्शन का जो दाग है उनके राजनीतिक करियर पे लग जाएगा और उसी से वो बचना चाह रही हो? अगर इसका हम पॉजिटिव साइड भी लेकर के चलें तो देखो दोस्त, प्रियंका की एक साफ सुथरी सी इमेज है, पार्टी को डेफिनेटली फायदा देने वाली है उत्तर प्रदेश में। चुनाव लड़ने पर उसके आसपास क्षेत्रों में पड़ने वाली सीटों पर भी, डिस्ट्रिक्ट पर भी बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा, वोट सीधे सीट में तब्दील होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, बेनिफिट सिंपल मिलेगा। लेकिन वो फिर भी नहीं लड़ेंगी क्योंकि इसका इतना बड़ा कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट या फिर असर नहीं होने जा रहा है, क्योंकि वो सत्ता या फिर विपक्ष का चेहरा बनने की सिचुएशन में है ही नहीं। अगर इन दोनों की स्थिति में अगर होती तो प्रियंका गांधी निश्चित लड़ती। चुनाव के हार का दाग अच्छा नहीं होगा, उनके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आज के जमाने में पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को पार्टी के नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाने का फिर मौका मिल जाएगा और फिर वही राजनीतिक बातें होने लगेंगी। वैसे भी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पता है कि हमने गठबंधन भी किया था लेकिन सीटें बहुत ज्यादा खास नहीं मिली थी, और आज जब अखिलेश यादव कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी गलती का कुछ थी तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना थी। अगर हम इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखेंगे, प्रियंका गांधी कहती है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उस मुहिम को आगे उन्होंने बढ़ाया है और वो खुद नहीं लड़ रही है, तो आपको नहीं लगता कि एक तरह से इस मुहिम को वो कमजोर कर रही है? अगर इस तरह से विश्लेषण किया जाए सेकंड पर्सपेक्टिव का, तो तीसरी बात की बात करता हूं। अगर आप घोर आलोचक हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि गांधी परिवार को लगता है कि विधानसभा जो है ना उनके स्टेटस के काबिल नहीं है। विधानसभा तो बहुत छोटी और मामूली सी चीज है। यह परिवार सोचता है कि हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो हम विधानसभा में लड़ने क्या जाएं? हालांकि अगर ये दोनों लड़ेंगे तो सिंपल सी फायदा इन लोगों को होगा ही होगा, पर इनके लिए यह स्टेटस का काम नहीं है, इसलिए लोग चुनाव नहीं लड़ते। अगर आप घोर आलोचक हैं तो आप ये तर्क भी दे सकते हैं और अपना चार ताले पिटवा भी सकते हैं। तो हर एंगल से मैंने आपको समझा दिया। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शेयर करेंगे और INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेट्रियन मेंबरशिप जरूर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।